आपकी हर समस्या को सुनी जाएगी, आपसे अनुरोध है। बोल सकते हैं नीतीश कुमार जी, उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, भवन निर्माण मंत्री, सबसे खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर जो हमको आप लोगों ने मत देकर के जिताने का काम किया, इसके लिए मैं तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन वंदन सर झुका करके करता हूं। साथ में कहना चाहता हूं कि तारापुर की समस्या अनेकों है, लेकिन कुछ समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में देना चाहता हूं। अभी आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, यहां आजादी के बाद यहां सिंचाई भवन का प्रमंडल बना था, लेकिन यहां का भवन चिरंतन अवस्था में है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यहां का भवन बनवाने का काम करें तथा यहां मीटिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां मीटिंग हॉल यहां और खड़गपुर में एक बड़ी मीटिंग हॉल बनवाने का काम करेंगे तथा यहाँ निरीक्षण भवन भी नहीं है, कोई बाहरी आदमी आते हैं तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। किसी कर्मचारी का आवास हुआ करता था, लेकिन इसको रिमॉडलिंग करके मात्र एक कमरा का है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जो है एक निरीक्षण हॉल बनवाया जाए। साथ में खड़गपुर झील की जो आए थे संजय बाबू चुनाव से पहले, वहाँ सिलवानी डैम है, उस डैम के बन जाने से जमालपुर विधानसभा और जो है टेटिया बम्बर प्रखंड जो तारापुर विधानसभा में पड़ता है और खड़गपुर विधानसभा का बहुत सा सिंचाई का काल जो है होना है, इसलिए मैं उस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उसको आपने जीर्णोद्धार के लिए देखने के लिए गए, अब हम और लोग और कार्यकर्ताओं की ओर से भी कहना चाहते हैं कि सिंचाई की जो व्यवस्था किसानों के लिए आपने सोची है, उस व्यवस्था के तहत जो आपने कार्य कर रहा है, इसके लिए यहाँ के किसान सभी आपके किसान हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में यहाँ महिला महाविद्यालय नहीं है तारापुर में महोदय, मैं चाहते हैं कि यहाँ महिला महाविद्यालय की स्थापना। पूर्व विधान पार्षद संजय जी, माननीय पूर्व मंत्री भाई शैलेश जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विजय जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू के जिला अध्यक्ष संतोष सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन जी के बीच आए हैं। और अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर में चुनाव हुआ तारापुर का, और तारापुर में जो विपक्ष ने बड़ा जबरदस्त घेराबंदी किया था, ऐसा लग रहा था कितना भारी घेराबंदी करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको धराशायी कर दिया। हम लोगों को भी जिम्मा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भी जिम्मा दिया, मेरा तो संसदीय क्षेत्र ही है मुंगे, और अशोक चौधरी जी थे, हम लोगों ने घूमा एक एक गांव घूमे हम लोग, और बिट्टू जी तो हमारे साथ लगातार थे, लगभग 100 से ऊपर गांव घूमे हम, 22 पंचायत घूमे, कहीं एक गांव में भी कहीं विरोध की चर्चा नहीं थी, कोई ऐसा गांव नहीं था, चाहे वो टेटिया बम्बर का हो, संग्रामपुर का हो, तारापुर का हो या असरगंज का हो, सभी गांव में लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बिहार में जो काम किया है
आज हम अमन चैन से रहते हैं, आज हम शांति से रहते हैं, हम बिना डर भय के कहीं भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे रात में भी जाते हैं। हम लोग दोबारा उस राज को और वैसे लोगों को पनपने नहीं देंगे। तारापुर में ये लोगों का संकल्प था।